हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। मोन्टाज में ये वीडियो देखे आपने, ये है बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सीबीआई या ईडी हमारे घर पर ही दफ्तर खोल ले, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ मिलने वाला नहीं है। महीने बाद भी आनी है, फिर 2 महीने बाद फिर उनको आना है, इससे बेहतर है कि हमारे घर पर ही दफ्तर खोल ले। तो जो ईडी और सीबीआई का खौफ था, डर था, वो अब खत्म होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो हमें कह रहे हैं वो 2024 का ख्याल रखे, यानी कि 2024 में वो जाने वाले हैं, जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाने वाले हैं। किस तरीके से जाने वाले हैं पूरा समीकरण बताऊंगा कि कैसे 5 मुख्यमंत्री मिलकर 2024 में प्रधानमंत्री को रोकेंगे, मोदी को रोकेंगे। जी हाँ, पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा और कुछ उप मुख्यमंत्री ने किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार कर ली है, कहां पर किसको चुनाव लड़ाना है और कैसे बीजेपी को हराया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ा, उसके बाद से पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि अब वो क्या करें। वो हैरान है, परेशान है कि आखिर नीतीश कुमार उनको छोड़कर चले गए, अब उनके पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए लगातार उनके नेताओं के उलझुल बयान आ रहे हैं, इसीलिए उनके नेता कहते दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हमारे साथ नहीं बने हैं, इसका क्या दावा है कि वो आरजेडी के साथ रहेंगे। तो आप समझिए इनकी बौखलाहट आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इनको बिहार में तो झटका लग चुका है, जिससे जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो साफ मान के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2024 में बिहार से बीजेपी का सफाया होता दिख रहा है, यहीं से रणनीति बनेगी जो पूरे देश में शामिल होगी। इसके अलावा चाहे केसीआर हो, एमके स्टालिन हो, या फिर ममता बनर्जी हो, या फिर हेमंत सोरेन हो, लगातार वो रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से 2024 में बीजेपी को रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश में अब लोग जो है समर्थक, जो जनता है, वो कयास लगा रही है कि मायावती और अखिलेश यादव यूपी में अगर साथ आ जाते हैं, जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ आ गए, उसी तरीके से अगर यूपी में मायावती और अखिलेश यादव साथ आ जाते हैं तो 2024 में मोदी का जाना तय है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। बिहार की अगर बात करें तो वहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से फिलहाल इस वक्त जो है 17 पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी पर मिलाकर 19 सीटें हैं, इसके अलावा 4 सीटें अन्य पर हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार और आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टी है, चाहे हम जितिन राम मांझी की हम हो या उपेंद्र कुशवाहा जो ऑलरेडी जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, इसके अलावा चिराग पासवान अभी फिलहाल जो है भतीजे और चाचा की लड़ाई के चलते उस पार्टी में भी टूट पड़ी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि बिहार में एनडीए बहुत कमजोर हो चुका है, जिसका नतीजा 2024 में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में जरूर पिछली बार बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई थी, बड़ी कामयाबी मिली थी उसको। 2019 में उसको 18 सीटें मिली थी, इससे पहले उसके पास सिर्फ 2 सांसद की सीटें थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक तरफा बीजेपी को मात दी, उसके बाद ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है। लगातार जो अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी, उनसे लगातार बैठकें कर रही है कि किस तरीके से 2024 में बीजेपी को रोका जाए। तो बंगाल में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर तेलंगाना की बात करें, जहां पर 17 सीटें हैं, वहां पर केसीआर बहुत मजबूत है। अभी हाल ही में तेलंगाना में एक प्रोग्राम था जहां पर प्रधानमंत्री गए थे,
केसीआर इतना मुखर होकर उनका विरोध करते हैं कि वो उनको रिसीव करने तक नहीं गए थे, उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेलंगाना में भी केसीआर अपनी पेड़ बनाए हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं एमआईएम ओवैसी की पार्टी भी जो है टीआरएस को यानी केसीआर को जो है सपोर्ट करती है, तो तेलंगाना में भी कड़ी टक्कर मिलेगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी वो भी जो है खुलकर मोदी का विरोध करते हैं और लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ था कि वहां पर एनडीए समर्थित चंद्रबाबू नायडू को करारी हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, जिसमें वाईएसआर यानी के जगनमोहन रेड्डी ने कड़ी टक्कर दी थी। तो ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर तमिलनाडु में एमके स्टालिन जिस तरीके से वहां पर गवर्नेंस दिखा रहे हैं, गवर्नेंस मॉडल दिखा रहे हैं, उससे साफ अंदाजा है 2014 में तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि 2019 में वहां पर टोटल सीटें 39 सीटें हैं और 2019 में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को 38 सीटें मिली थी और बीजेपी एनडीए गठबंधन को वहां पर सिर्फ एक सीट मिली थी। तो तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कुछ है नहीं। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी देखा किस तरीके से डीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत की सरकार बनाई थी, तो वहां से भी कड़ी टक्कर है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें हैं, 48 सीटों में से इस वक्त जो है बीजेपी पर 23 सीटें हैं, जबकि शिवसेना और अन्य पर बाकी सीटें बचती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ छल कपट कर उनकी सरकार गिराई गई है, जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे इसका बदला लेना जरूर चाहेंगे। अगर उद्धव ठाकरे और एनसीपी कांग्रेस मिलकर लड़ती है तो महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो शिवसेना थी और बीजेपी दोनों मिलकर जब लड़ते थे तो उनके पास भारी सीटें होती थी, लेकिन अब जब शिवसेना उससे अलग हो गई है और उनकी सरकार गिर चुकी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह ने और बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने का काम किया है, उससे वो खफा है। हो सकता है वो इसका बदला 2024 में ले। इसके अलावा शरद पवार जो एक सीनियर नेता है, उनको भारी अनुभव है, उन्होंने कई सरकारों में अपना योगदान दिया है, तो वो जोड़ तोड़ की राजनीति अच्छे से जानते हैं। और आपको याद होगा कि फडणवीस जब सुबह सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे तो उन्होंने किस तरीके से उनको झटका दिया था और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी। तो शरद पवार भी अहम रोल अदा कर सकते हैं 2024 में बीजेपी को हराने में। तो ये सारे, इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन वो भी लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस टाइम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के गठबंधन की झारखंड में सरकार चल रही है। आपने अभी हाल ही में देखा था किस तरीके से झारखंड में कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। तो लगातार जो है बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति, पैसे के बल पर विधायक खरीदने की राजनीति करती है, लेकिन इस बार जो है विपक्ष जो है एक तरफ जमा होता दिख रहा है, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी हो, तेलंगाना में केसीआर हो, तमिलनाडु में एमके स्टालिन हो, या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती जी एक साथ आते हैं, इसके अलावा जो छोटे मोटे गठबंधन है, चाहे एमआईएम हो या पीस पार्टी हो या चंद्रशेखर आजाद रावण हो, इसके अलावा ओपी राजभर हो, अगर ये सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वाकई में 2024 में बीजेपी को करारी शिकस्त मिल सकती है। इसके अलावा अगर साउथ के दूसरे रीजन की बात करें, चाहे केरला हो, वहां पर लेफ्ट बहुत मजबूत है, वहां पर बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। तो इस तरीके से अगर ये 5-6 मुख्यमंत्री एक साथ आ जाते हैं और स्ट्रेटजी से काम करते हैं तो वाकई में 2024 में प्रधानमंत्री को आराम से हरा सकते हैं। बीजेपी का जो ये तिलिस्म है, प्रधानमंत्री के चेहरे का जो तिलिस्म है, आराम से टूट सकता है। बस शर्त ये है कि आपको संयम के साथ स्ट्रेटजी बनाकर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, समझौते करने पड़ेंगे, नहीं तो अपनी अनाम में देश का और नुकसान हो जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश को आज गर्द में ले जा दिया है, लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, रोजगारी
बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसलिए जरूरत है, अगर देश को बचाना है, भारत को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो 2024 में बीजेपी को रोकना होगा। और इसका यही फॉर्मूला है कि जितने भी अपोजिशन के नेता हैं, उन लोगों को अपने स्वार्थ से उठकर, ऊपर उठकर देश हित में समझौते करने पड़ेंगे, निर्णय लेने पड़ेंगे, फैसले करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है लोकतंत्र बच पाएगा और बीजेपी को रोक सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है, क्या वाकई में अगर इस तरीके की रणनीति बनाता है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर फैसले लेता है, समझौते करता है, तो क्या वाकई में बीजेपी को रोक सकते हैं? इसके अलावा अगर आपके पास कोई और फॉर्मूला है या कोई और राय है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। शुक्रिया।